नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के सिलवानी में आग से कृषि उपकरण व गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। मकान में अचानक आग लगने से मकान में रखा गृहस्थी का सामान सहित कृषि यंत्र, मोटर, पाइप, क्वाइल जलकर हुए खाक। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के तहसील सिलवानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीतापार के ग्राम भजिया में सोमवार शाम 5 बजे एक कच्चे मकान में आग लग गई, जिससे मकान में रखा सामान सहित कृषि यंत्र, 300 पाइप, कुआई, भूसा एवं अन्य सामग्री जलकर राख हो गई, जिससे करीब 5 लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। गृहस्वामी रीछू बिलाला व भूरा बिलाला ने बताया कि हम सभी परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक मकान में आग लग गई। मकान में आग लगी देख ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। जब तक मकान एवं मकान में रखा गृहस्थी एवं कृषि का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा दमकल को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल घटना स्थल पर पहुंची, जब तक पूरा मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गृहस्वामी रीछू बिलाला ने बताया कि आग लगने से करीब 5 लाख का नुकसान हुआ। उन्होंने शीघ्र प्रशासन से सर्वे कर सहायता राशि की मांग की है। आइए जानते हैं गृहस्वामी रीछू बिलाला ने क्या कहा। सिलवानी बहोरी से संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रीछू। कहाँ रहते हो? भजिया। कौन सी पंचायत है? एरिया जब सीतापार में आएगी। सीतापार। कैसे लग गई आग? डोरी से फॉल्ट है। डोरी फॉल्ट हो गई जिससे आग लग गई। मकान आग लग। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान तो भारी है यार, थोड़े 4-5 लाख। हाँ यार सर, थोड़े तेज बोलो, तेज वीडियो में। 4-5 लाख का नुकसान हो गया। क्या क्या सामान? गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया? हाँ पूरा नष्ट है। पाइप कितने रखे हुए थे? 300 पाइप थे। और खाने पीने सुख।